तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने सैमसंग गैलेक्सी S10 Plus परचेज़ किया था। S10 Plus की बहुत ज़्यादा खासियत रहती है, ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। और मैं अपने S10 Plus के साथ अभी का मेरा एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ कि आपको S10 Plus 2024 में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 5 साल पुराना डिवाइस है। 5 साल पुराना डिवाइस है, फिर भी इसका परफॉर्मेंस लेवल कैसा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये आता हूँ S10 Plus। ये S10 Plus की क्वालिटी देखिए आप, डिस्प्ले की काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। और बहुत सारे S10 Plus में क्या होता है, छाप हो पड़ जाता है डिस्प्ले के ऊपर, लेकिन ये जो मेरा डिवाइस है वो पूरा क्लीन कंडीशन में है और अभी तक कोई भी वायर ओपन नहीं हुआ है या कुछ रिपेयरिंग काम नहीं हुआ है इसमें। यहाँ पे सेल्फी में 2 कैमरा मिल जाता है। बैक साइड पे हम चेकआउट करेंगे तो 3 कैमरा, एक अल्ट्रा वाइड एंगल मेन कैमरा एंड एक डेप्थ कैमरा, इसको बोल सकते हैं पोर्ट्रेट मोड के कैमरा। और यहाँ पे सेंसर है, ये फ्लैश लाइट है। बैक साइड का पैनल ग्लास का आता है, प्लस इसका वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। 3.5 mm जैक का भी ऑप्शन है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे टाइप सी वाला पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल और एक माइक है। यहाँ पे ऑन ऑफ बटन का दिया गया है, जो कि राइट साइड पे है, और एक लेफ्ट साइड पे बिक्सपी का बटन है और वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है। ऊपर कुछ नहीं है, सिम ट्रे का यहाँ पे आप 2 सिम डाल सकते हो, या तो फिर 1 सिम और 1 मेमोरी का स्लॉट डाल सकते हो। बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की, तो ये एक बेहतरीन कैमरा क्वालिटी वाला फ़ोन है। जहाँ पे आप वीडियो शूट करने के जाओगे ना, तो अल्ट्रा HD में 60 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है अपने आप में। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में भी आप अल्ट्रा HD में 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो, जो कि अभी के आप फ़ोन परचेस करने जाओगे ना A सीरीज़ या तो फिर F सीरीज़ के, तो उसमें 50,000 वाले डिवाइस में भी ऐसा फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक सैमसंग का A54 था, उसमें भी आप 4K में 30 FPS पे ही वीडियो शूट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे जो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है वो सैमसंग के A54 में ही हो रहा है। तो A54 का भी रिव्यू मैं शॉर्ट टाइम में लेके आऊँगा। अभी बात करते हैं S10 Plus की। तो गाइस, ये एक 4G डिवाइस है, 8 GB 128 GB वाला ये वेरियंट है, आपको 8/256 भी मिल जाएगा। अब ये 4G डिवाइस अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर आप एक वोडाफोन यूज़र हो या तो फिर आप एक एयरटेल यूज़र हो तो भी आप 4G डिवाइस परचेस कर सकते हो, जियो यूज़र हो तो भी आप 4G डिवाइस परचेस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिमिटेड यूज़र हो कि आपको मोबाइल में ज़्यादा कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल एक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाते हो, नॉर्मली आप फेसबुक चलाते हो, तो आपको ये डिवाइस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइस परफेक्टली वर्क करेगा, प्लस कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। तो आप इस यस कह सकता हूँ कि आप अगर YouTube के लिए परचेस करना चाहते हो ये डिवाइस, कि वीडियो शूट करके आप YouTube पे अपलोड करना चाहते हो, तो ये डिवाइस भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है इसका, डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ब्रिलियंट है। मेन तो इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो अभी के आप डिवाइस परचेस करने के लिए जाओगे ना हैवी डिवाइस, तो भी उसमें ये फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी S10 Plus की डिस्प्ले की डिवाइस की क्वालिटी है। बाकी अगर आप यूज़ कर रहे हो S10 Plus, तो आप कमेंट कीजिए कि आपका डिवाइस कैसा परफॉर्म कर रहा है। बाकी ये डिवाइस तो काफ़ी ब्रिलियंट है गाइज, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के यूजफुल वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ।